सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने शुक्रवार शाम हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनके मुताबिक छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में 2004 के बाद भर्ती 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। मिलेट्स में शामिल कोदो का समर्थन मूल्य 3,200 रुपये और कुटकी का 3,350 रुपये घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में महुआ बोर्ड के गठन का फैसला भी लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता तौर वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य सरकार ने महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महुआ बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। सीएम ने कांकेर के नगरीय निकाय और पंचायती राज सम्मेलन में घोषणा की थी कि स्टेट पावर कंपनीज में 1 जनवरी 2004 से नियुक्त हुए अधिकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। कैबिनेट ने इसका अनुमोदन कर दिया। कैबिनेट ने नगर पंचायत नवागढ़ को नगर पालिका और महासमुंद के गाँव बोरिंग को नगर पंचायत बनाने के फैसले का अनुमोदन किया है। यही नहीं, शासन ने स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल में शामिल अधिकारी कर्मचारियों पर लागू एस्मा कानून को शून्य घोषित कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर में अपर संचालक के 2 पद जोड़े जाएंगे।